नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल बाइक रॉकर्स पे। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं होंडा लिवो VS6 2020 मॉडल के बारे में। आप सभी को पता ही होगा इसका टीजर वीडियो लॉन्च कर दिया गया है, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इसका टीजर वीडियो ही है। तो जो टीजर वीडियो देख के जो जो चेंजेस अभी हमें पता चले हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं आपको बता दूंगा इस गाड़ी की आपको एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है, गाड़ी कब तक लॉन्च होगी और आपको ये कब तक शोरूम देखने को मिलेगी, और इसमें आपको क्या नए फंक्शन नए फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग अगर होंडा लिवो के बारे में अच्छे से पूरा जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो होंडा लिवो VS6 आने वाली है आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें बाकी नहीं रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर बात कर लें होंडा लिवो VS6 2020 मॉडल के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं अब आपको इसमें इंजन किल स्विच ऑफर कर दिया गया है, जो कि एक चेंज अगर आप BS4 से कंपेयर करेंगे तो आपको BS6 में इंजन किल स्विच ऑफर कर दिया गया है। तो आपको बार बार की ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंजन के लिए मदद से अपना इंजन ऑफ कर सकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और होंडा कंफर्ट लेवल बढ़ाने का बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंफर्ट लेवल इस आपका इंक्रीज होगा, बार बार आपको की ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात कर लें तो इसके मीटर कंसोल में आपको चेंज देखने को मिलेगा। जिसका मीटर कंसोल है वो पहले से नया कर दिया गया है, पहले से अच्छा कर दिया गया है, और पहले से अच्छी ग्राफिक्स उसमें यूज़ की गई है, और जो उसकी डिजाइनिंग की गई है वो पहले से बेहतर की गई है, जो कि अच्छी बात है। होंडा लिवो BS6 में आपको अच्छा स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात कर लें तो मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत लोग पूछे थे क्या हमें इसमें LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, तो मैं बता दूँ आपको इसमें नॉर्मल हाइलोजन बल्ब भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई LED बल्ब का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको बैक में टेल लैम्प भी जॉब कर रहने वाला है, वो नॉर्मल बल्ब रहेगा। आपको इसमें LED हेडलैम्प या LED टेल लैम्प का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल जो आपको BS4 में देखने को मिलता था वही सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात कर लें, आपको नेक्स्ट चेंज क्या किया गया है होंडा लिवो BS6 में, तो मैं आप सभी को बता दूँ आपको इसमें एक साइलेंट स्टार्ट फीचर दे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आपकी गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। इस फीचर का नाम है ESP इनहेंस स्मार्ट पावर। ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट कर देता है। अब आपकी गाड़ी में आपको सेल्फ देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक ACG मोटर यूज़ किया गया है, वो आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट कर देता है, जो कि होंडा की ऑल न्यू टेक्नोलॉजी है। और आपको बस ये होंडा की बाइकों में देखने को मिलेगी या होंडा की स्कूटी में देखने को मिलेगी, ये होंडा की ऑल न्यू टेक्नोलॉजी ESP। उसके बाद अगर नेक्स्ट चेंज की बात कर लें तो मैं आप सभी को बता दूँ जो गाड़ी की लुक रहने वाली है पहले से अच्छी की गई है, पहले से अच्छा डिज़ाइन आपको किया गया है। और जो गाड़ी है होंडा लिवो BS6 उसको पहले से स्पोर्टियर लुक देने की कोशिश की गई है। और मैं आप सभी को बता दूँ जो गाड़ी रहेगी पहले से आपको बहुत अच्छी देखने में लगेगी और स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करेगी। अगर आप 110cc में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लुक देखने को मिलेगा इस गाड़ी का, जो कि अच्छा चेंज किया गया है होंडा लिवो BS6 में। उससे अगर नेक्स्ट चेंज की बात कर लें तो मैं आप सभी को बता दूँ जो मेन पॉइंट होता है वो गाड़ी का इंजन। आपको अगर इंजन में बता दूँ तो आपको इसमें 110cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलने वाला है, जो आपको होंडा CD110 ड्रीम में देखने को मिला था BS6 इंजन, आपको सेम वही इंजन आपको होंडा लिवो BS6 में भी देखने को मिलेगा, जो इसका भी इंजन रहने वाला 110cc का रहने वाला है। और आपको ये FI के साथ देखने को मिलेगा, तो FI से आप 10% ज़्यादा माइलेज गेन कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आपको पता ही होगा अभी तक जितनी भी होंडा की बाइकें आई हैं स्कूटियाँ आई, होंडा ने लगभग 10% ज़्यादा माइलेज क्लेम किया अपनी सारी गाड़ियों में। तो हम उम्मीद करते हैं आपको होंडा लिवो BS6 में भी 10% ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपको लगभग 65 से 70 तक का माइलेज आप निकाल सकते हैं होंडा लिवो BS6 2020 मॉडल। और अगर गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लें क्या एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है, तो लगभग आप मान के चलिए जो होंडा CD110 ड्रीम लॉन्च हुई है उससे आपको ये 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी देखने को मिलेगी। तो लगभग जो इसकी एक्सशोरूम प्राइस रहेगी लगभग 70,000 के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है, 70 to 72,000। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये होंडा लिवो BS6 रहने वाली है ये इस महीने के आखिरी या जुलाई के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपको ये लॉन्च कर दी जाएगी ऑफिशियली, और आपको लगभग जुलाई से अगस्त तक आपको सारे शोरूम अवेलेबल होगी, जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यही था होंडा लिवो BS6 2020 मॉडल के बारे में। मैंने आपको बता दिया जो होंडा लिवो BS6 2020 मॉडल आने वाली है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। आपको इसमें ऑल न्यू स्पीडोमीटर ऐड कर दिया गया है, आपको सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो लुक है गाड़ी का, पहले से अट्रैक्टिव, पहले से इनहेंस कर दिया गया है, पहले से आपको स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करेगी ये गाड़ी। उसके बाद आपको इसमें 110cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलने वाला है, इंजन किल स्विच का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है, बार बार वो की ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया गया है। और आपको इसमें FI देखने को मिलने वाला है, तो लगभग आपको 10% ज़्यादा माइलेज देगी, लगभग आपको 65 तक का माइलेज आपको निकाल के दे सकती है होंडा लिवो BS6। उसके बाद आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट फीचर दे दिया गया है जिसका नाम है ESP इनहेंस स्मार्ट पावर, ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंट स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी होंडा लिवो BS6 2020 मॉडल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको होंडा लिवो BS6 कैसी बाइक लगती है, और आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या थॉट्स हैं, क्या व्यू हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।